अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولاد رسوله وعلماء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدق الله العظيم एक बार बरकत वास्ते सारे दरूशी पढ़ो सल्लल्लाहु अच्छा मजबूरी समझ के नहीं पढ़ना सरकार दा मिलादी बन के पढ़ना है ठीक है सारे नु दुरूशी फांदा मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्हों जिन्हों नहीं आंदा सारे नु आंदा है इत्थे सारे दुरूशी फाले बैठे हैं पढ़ो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दा लिखिया होया मारूफ ज़माना कलाम एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है यकीनन सारे नु कलाम आंदा है ठीक है ना तेरे मोहब्बत दे नाल हर बंदे दी आवाज आए जरा एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान बोलो दरा एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान एक मैं ही नहीं उन पर रबे तो आलम का महबूब यह गाना है ये समझ आ गई है तो हाथ चौके बोलो ना एक मैं ही नहीं उन्हें पे कुर्बान जमाना है एक मैं ही नहीं उन्हें पे कुर्बान शेर शेर कबले गौर कल पुल से हमें जिसने
उत पार लगाना है, लगाना है। कल पुल से हमें जिसने उत पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। जहरा का आय है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाला है। जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाला है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। वो रबे तो आलम का महबूब यगाना है, इक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हमद सना तो बाद अज दा ए अजीम शान प्रोग्राम बस सिलसिला महफिल मिलाद मुस्तफा न्यू गुलशन कलोनी गली नंबर 7 बाजार नंबर 7 जिसके अंदर इनकात पजीर है। अलहमदुल्ला मेरी अज की हाजरी का सबब बने साढ़े गुजरांवाला का अजीम नाम निस्फा बाई अल मारूफ तलहा सुन वाले आपने हुक्म फरमाया बंदे ने चीज हाजर है। ये हालात के पेश नज़र क्योंकि सब नु पता है कि हालात जिहो जे जा रहे हैं खसूसन उलामा ते, इस वास्ते मैं इन्हें अगर गुजारिश की कि मैं जल्दी तरह टाइम दे दिया जे ताकि मेरे वास्ते भी ना मसला बने ते इन्हां वास्ते भी ना मसला बने। अलहमदुल्ला मैं अपने वक्त के मुताबिक हाजिर हाँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह साढ़े सब का पढ़ना आप हज़रात का सुनना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मेरे तो बाद अलहमदुल्ला बड़ी बड़ी सोहनिया आवाज़ा तुसां समाज फरमानिया ने मेरे जिमन अंदर जो मौजू लगया अहले खाना ने कि सरकार का मिलाद पढ़ना है तो उस तो बाद फिर सरकार का शजरा भी सुनाना है। ठीक है ते जरा को अपन एचएम गोइया बंद करो अपनी तमाम तर तवज्जो मेरे वाल रखो ते एक बार आखो जरा सुभान अल्लाह। अद्धे बंदे बोलने माशाल्लाह जिदा ईमान है ना कि ज़हरा दा बाबा सुनदा पिया है एडी ठंड को नहीं जिड्डी असीं बना के बैठे हैं। बंदा को बीमार बंदा चादर ले लवे ते कल्ला दा गल है ए जरा नौजवान जरा हाथ बार कट के जिदा पंजा मजबूत है जिदे जिदी छाती जोर मार दी है ना जिदे छाती दे अंदर मिलाद दा लंगर जांदा है पंजा खड़ा करके जुबान हिला के बोल जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुहाडे ज़ौक नूं सलामत रखे बड़ा सोहना सोहणे अल्लाह आपके कारोबार अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए। मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू दा आगाज़ कर रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ एक गल याद रखिया जे ए मेरे नबी का मिलाद अज का नहीं हो रहा मेरे नबी का मिलाद अज का नहीं हो रहा तुसी आखो रजवी साहब कदों ना हो रहा है हाले आसमान का शामियाना नहीं लगा जमीन का फर्श नहीं बिछाया गया दुनिया की कोई चीज मुआर दे वजूद अंदर नहीं आई अल्लाह उदों भी नबी का मिलाद मना रहा सी अल्लाह उदों भी नबी का सारे बोलो जरा अल्लाह उदों भी नबी का मिलाद मना रहा सी। हजरात अल्लाह ने आलमे अरवा के अंदर सब तो पहले मेरे ते तेरे नबी का मिलाद मनाया उसी सुभान अल्लाह कहो जरा अल्लाह ने आलमे अरवा के अंदर सब तो पहले मेरे नबी का बोलो यार मिलादी बंदे बैठे हो सारे
सारे मिलादी हैं। अल्लाह ने सब तो पहले मेरे नबी दा, सारे बोलो जरा, अल्लाह ने सब तो पहले मेरे नबी दा मिलाद मनाया। किबला साकी साहब, साडे दुनिया दा एक दस्तूर है, असा किसे बंदे कोलो काम लेना होवे ना, असी उस बंदे नु चुकने आ। चौधरी साहब तुहाडी क्या बात है, बल्ले बल्ले माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चौधरी साहब तुहाडे वर्गा बंदा ही कोई नहीं। अल्लाह ने जदों नबिया दा मिलाद मनाया ना, अल्लाह ने जदों मेरे नबी दा मिलाद मनाया ना, आदम तो लैके ईसा तक सारियां रूहां इकट्ठियां कर लिया। अल्लाह ने नबियां नू चुकिया, प्रोटोकॉल दिता, कादा प्रोटोकॉल। अल्लाह फरमाया आदम सफीउल्लाह बना के कल्लांगा, मूसा कलीमुल्लाह बना के कल्लांगा, ईसा रूहुल्लाह बना के कल्लांगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह बना के कल्लांगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बना के कल्लांगा, नूह नजीउल्लाह बना के कल्लांगा, ईसा रूहुल्लाह बना के कल्लांगा। गल दी समझ आवे ते सुभान अल्लाह दी छल्ला नहीं चाहीदी है। या अल्लाह करना की है, एक लख ते कईदार नबी ते रसूल दुनिया ते आए। अल्लाह ने फरमाया नबियो सारियां नूं नबूवता भी दवांगा, हिकमता भी दवांगा, रिसालता भी दवांगा। अल्लाह करना की है, फरमाया सुम्मा जाकुम रसूल, ए तुहाडे तो बाद मेरा रसूल आने वाला है। हैं, तुहाडे तो बाद मेरा, बोलो बोलो, तुहाडे तो बाद मेरा, समझ आ रही है, समझ आ रही है। फिर सिर नहीं मारना, जुबान लानी है। तुहाडे तो बाद मेरा, सारे बोलो यार तुहाडे तो बाद मेरा। अच्छा, कितनी मजे वाली गल है साकी साहब, आले मेरा जदा कला, आले मेरा नबी आया नहीं ते अल्लाह चर्चे पहले ही करदा पिया है। आज असि मिलाद दी महफिल सजाइए, साडे ते फतवा लग जांदा है। मैं क्या मौलवी जी, पहले रब ते फतवा लाऊ हां जिन्ने सब तो पहले मेरे नबी दा मिलाद मनाया है। हैं हजरत भाई, ए बच्चों ते कंट्रोल करना, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ने फरमाया तुहाडे तो बाद मेरा एक रसूल आने वाला है। कौन आने वाला है, बोलो यार कौन आने वाला है, रसूल आने वाला है। जदों नबियां ने मेरे नबी दा जिक्र सुनिया ना, ते नबियां ने अर्ज कीती या अल्लाह ये केड़ा नबी आ रहा है। बाबे आदम ने अर्ज कीती या अल्लाह केड़ा नबी आ जेड़ा आया नहीं, ते चर्चा पहले ही हुंदा पिया है। अल्लाह ने जदों हजरत आदम नू पैदा फरमाया ना, ऐ तवज्जो करे जे बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने जदों आदम नू पैदा फरमाया, आदम अलैहि सलाम ने अर्ज कीती या अल्लाह मेरी कुनियत अबू मुहम्मद क्यों रखी है। आवाज आई आदम है अपना सिर ते उठा दरा। जदों सिर उठाया ना, ते जन्नत दे पत्ते पत्ते ते कायनात दी हर चीज दे उत्ते अरश दे किंगरियां ते हूरां दी पेशानी ते मेरे नबी दा नाम लिखिया नजर आ रहा है। बाबे आदम ने अर्ज की या अल्लाह केड़ा नबी है। आवाज रब दी बारगाह मल्ला दे विचों आ रही है, ऐ आदम ए ओ नबी आ रहा है जिदा नाम आसमान ते अहमद होना है, जमीन ते मुहम्मद होना है। आसमान वाले अहमद समझ के मिलाद मनाएंगे, जमीन वाले मुहम्मद समझ के मिलाद मनाएंगे। मिलाद मना रहे हो ना, की समझ के मिलाद मना रहे हो? आसमान वाले मुहम्मद समझ के मिलाद मनाने। अल्लाह ने फरमाया नबियो जाओ अपने अपने जलसे अंदर जाके ऐलान करो, साडे तो बाद एक नबी आ रहा है। सिर नहीं मारना, सिर नहीं मारना, ढिला बंदा चंगा लगता ही नहीं। ये जुबान अल्लाह ने अता की है, मुहम्मद के मिलाद के सदके अता की है। हाथ चुक के बोल रहा सुभान अल्लाह। चंद चंद बंदे रह गए जिन्हां दी मेरे ते नजर है, ते मेरी तुहाडे ते नजर है। बोलो ते इंशाल्लाह तार नाल तार मिलाओ, इंशाल्लाह लहरां बहरां हो जाएंगी। हाथ चुक के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नबियो जाओ अपने अपने जलसे अंदर जाके ऐलान करो या अल्लाह की। फरमाया साढ़े तो बाद एक नबी आने वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह मौला दे विचों आवाज आ रही है, या आदम सफीउल्लाह जाओ अपने अपने जलसे अंदर जाके ऐलान करो या अल्लाह की। ऐलान करना है,
फरमाया एहो ऐलान करो जाके अल्लाह ने सानू बड़िया इज्जतें अता फरमाइया ने, अल्लाह ने बड़िया शानां अता फरमाइया ने, अल्लाह ने बड़े बड़े कमालात मौजजात अता फरमाए ने। ओए लोगो साढ़े तो बाद एक नबी आने वाला है आदम सफीउल्लाह आया के जनाब अपने जलसे के अंदर ऐलान किया मेरे तो बाद एक नबी आने वाला है ये मूसा कलीमुल्लाह आए आके ऐलान किया मेरे तो बाद एक नबी आने वाला है ईसा रूहुल्लाह आए आके ऐलान किया मेरे तो बाद एक नबी आने वाला है ये मूसा कलीमुल्लाह आए आके ऐलान किया मेरे तो बाद एक नबी आने वाला है इब्राहिम खलीलुल्लाह आए आके ऐलान किया ओए लोगो मेरे तो बाद एक नबी आने वाला है एक लख ते कई हजार ए नबी ते रसूल आए ने आके अपने अपने जलसिया के अंदर तिबला जवे साकी साहब एक लख ते कई हजार नबी ते रसूल आए ने आके अपने अपने जलसिया के अंदर एहो ऐलान करते रहे ने ओए लोगो साढ़े तो बाद एक नबी आने वाला है साढ़े तो बाद एक नबी आने वाला है तवज्जो साढ़े तो बाद एक नबी आने वाला है साढ़े तो बाद एक नबी आने वाला है एक लख ते गयदार ए नबी ते रसूल जनाब मेरे नबी दियां महफिलां सजा के ए गलियां ते बाजार सजा के एहो ही कहंदे रहे ने नबी आने वाला है ए नबी आने वाला है अज गुलशन कलोनी बाजार नंबर 7 दे अंदर इन्ना आशिकां ने ए नबी दा मिलाद सजा के ए झंडियां ते बत्तियां ला के ए मैनू ते तुहानू बुला के ए लोकां नूं दस्सिया लोगो नबी आन वाला नहीं जे नबी ते आ गया है नबी आन वाला नहीं जे नबी दे ओ बोलो नबी दे आ गया है लो जी जदों नबियां कोलो रब ने मेरे नबी दा जिक्र सुनिया ये तमहीद बड़ी लंबी चौड़ी है मैं बिल्कुल शॉर्टकट कर रहा क्योंकि मेरी भी मजबूरी है मैं अगे जाना है लो जी नबियां ने जो मेरे नबी का जिक्र किया हूँ अराधा रब आ गया मैं अपना यार दुनिया नू दे ही छड़ा मैं अपना यार भला कोई यार भी किसी नू देंदा यार हैं मैं अपना यार दुनिया नू दे छड़ा अल्लाह तेरी जो मर्जी आई फरमाया तुसी भी झंडियां झुंडियां ला लवो बत्तियां बुत्तियां ला लवो वेख के आखो के सही ना जी तस्वीर एडी सोहनी है वह मुसव्वर किड्डा सोहना होया जिदा बंदा एडा सोहना है वह खुदा किड्डा सोहना होवेगा यार लो जी मैं पढ़ लगा सरकार दा शजरा सुनन दा मूड है हर जुमले तो बाद सुबहान अल्लाह की आवाज आवे गुलशन कलोनी वाले हो ये मैनू पता लगे कि मैं वाकई सरकार ने मिलादियां कोल गया मेरा एक अपना अंदाज है जेड़ा बंदा सुबहान अल्लाह ना बोलेगा मैं मैक छड़ के तुहाडे विच आ जाना है तो मैं पूछना भैया वजह की है नबी का मिलाद हो रहा है हर जुमले तो बाद सुबहान अल्लाह की आवाज आए मेरे नबी का नूर अरसा तो चलिया सतवें आसमान से आ गया सतवें आसमान तो चलिया छेवें आसमान से आ गया छेवें आसमान तो चलिया पंजवें आसमान से आ गया पंजवें आसमान तो चलिया चौथे आसमान से आ गया चौथे आसमान तो चलिया तीसरे आसमान से आ गया तीसरे आसमान तो चलिया दूसरे आसमान से आ गया सुभान अल्लाह यार दूसरे आसमान तो चलिया पहले आसमान से आ गया पहले आसमान तो चलिया आदम दी पुश्त अंदर आ गया आदम तो चलिया शीश को ला गया शीश तो चलिया जनाबी अनुश को ला गया अनुश तो चलिया हजरत जनाब को ला गया हजरत जनाब तो चलिया महमाइल को ला गया महमाइल तो चलिया जनाबे यारब को ला गया यारब तो चलिया हजरत अदरीस को ला गया अदरीस तो चलिया हजरत हाम को ला गया हाम तो चलिया किनान को ला गया किनान तो चलिया शारख को ला गया शारख तो चलिया फालख को ला गया फालख तो चलिया तारख को ला गया तारख तो चलिया खलीलुल्लाह को ला गया हाय हाय खलीलुल्लाह तो चलिया ज़बीहुल्लाह को ला गया
ज़बीहुल्लाह तो चलिया ते कितार को ला गया, कितार तो चलिया ते जुमल को ला गया, जुमल तो चलिया ते हुमा को ला गया, हुमा तो चलिया ते बुन्नत को ला गया, बुन्नत तो चलिया ते मर्रा को ला गया, मर्रा तो चलिया ते हुद को ला गया, हुद तो चलिया ते खुज़ैमा को ला गया, खुज़ैमा तो चलिया ते लुवी को ला गया, लुवी तो चलिया ते कुसई को ला गया, कुसई तो चलिया ते अब्दुल मनाफ को ला गया, अब्दुल मनाफ तो चलिया ते हाशम को ला गया, हाशम तो चलिया अब्दुल मुत्तलिब को ला गया, अब्दुल मुत्तलिब तो चलिया अब्दुल्लाह को ला गया, अब्दुल्लाह तो चलिया ते आमिना को ला गया, आमिना तो चलिया ते बारा रबीउल अव्वल दी सुबह सुनिया को ला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह तुहाडे चुप रहने की वजह तो मैं बड़े ना छड़ गया, तुहाडा मूड ही कोई नहीं सुनन दा। साकी साहब कई बंदे इंज वेंदे पे ने जिवें सानू नजर लानी है। लुवी तो चलिया ते कुसई को ला गया, कुसई तो चलिया ते अब्दुल मनाफ को ला गया, अब्दुल मनाफ तो चलिया ते हाशम को ला गया, हाशम तो चलिया ते अब्दुल मुत्तलिब को ला गया, अब्दुल मुत्तलिब तो चलिया ते अब्दुल्ला को ला गया, अब्दुल्ला तो चलिया ते आमीना को ला गया, आमीना तो चलिया ते बारा रबीउल अव्वल दी सुबह सुनिया को ला गया। सुनिया ने मेरे नबी दा जश्न मना लिया। आदम चिश्ती बोलिया ते की कहंदे ओदा रुतबा ते बंदिया ने मनना ही सी, मनना ही सी। ਨਿਸਵਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੰਦਰਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੁਰੀਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਪੀਰ ਸੱਜਾ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗੋਲੜੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸਰਕਪੁਰ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਰਜ਼ਵੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਓਏ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਓਏ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ रुतबा ते बंदियां ने मननाई सी, ओए मननाई सी, सोना गुंगिया नु गल्लां करांदा रिहा, सोना सुकियां खजूरां। मेरा नबी आ रहा है यार।
छोटी गल है, मेरा नबी आ रहा है ते खुशी भी नबियां ले मनानी है। तुहाडे मेरे घर पुत्र पैदा होवे ते गुआंढियां ते इन्ना खुशी मनानी है। खुशी तो वही करेगा जिदे वेड़े पुत्र आया है, तो खुशी भी असा करनी है। साडे वेड़े अल्लाह दा नबी आया है। मैं शाना वाला रसूल कल छड़िया है। सुभान अल्लाह, बोलो मेरे करीम लजपालिया कई मामू लंबी या मदीने दे ताजदार वटू हाद चेहरे वाले वलहलियां दुल्फा वाले अलम नशराह दे सीने वाले माजा गुल बसर दियां अखां वाले हामी वाले नबी दी अम्मा जान सैयदा यामिना सलामुल्लाह अलैहा आ फरमांदे ने जेड़े वेले ओ लाल जेड़े वेले मेरा पुत्र मुहम्मद मेरे शिकमियत हर अंदर आया मैं की वेखनी पई आ जेड़े वेले जना पहला माहे मुबारक शुरू होया मैं अपने कमरे दे अंदर लेटी होई आ एक बड़े सोने चेहरे वाला हुसैनो जमील बुजुर्ग जनाब ए सफेद दाढ़ी ए सिर ते अमामा ए हाथ दे जनाब दसवी ए अल्लाह ही अल्लाह दा जिक्र करदा पिया ए मेनू या के अख लगा नी बीबी तेनू मुबारक होवे तेनू मुबारक होवे तेनू मुबारक होवे सैयदा यामिना फरमांदियां ने बाबा कादी मुबारक होया दे रहा है ओ बाबा बोल के कहंदा है यामिना तेनू मुबारक होवे तेरे शिकमियत हर अंदर जेड़ा बच्चा आया है ये कोई आम बच्चा नहीं आ इन नबियां दा इमाम बन के आया है नहीं आए नबियां दा इमाम बन के आया है। बीबी पाक फरमांदियां ने बाबा तू कौन है आख्या मेरा नाम आदम है। सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह। ओ मैं एक जगह ते बयान करन गया साकी साहब ओ मेनू आंदे ने नाथ खान सी बेचारा को ना बड़ा बंठन गया उसी नहीं उसी ते माशाल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी ओवर कई बंदे ने बड़ी ओवर बड़ा बंठन किया आया ते मेनू आंदा तुहाडी मेहरबानी खर्च थोड़ा नीवा ही रखिया जे मैं क्यों आंदा भाई तुहाडे तों बाद किन्ने पढ़ना है मैं क्या साडे कुछना वाले नूं शरफ हासिल है। सुभान अल्लाह बोलो ऐ एक करम दीयां गल्लां ने गला फुल थके है यकीन मन्नो मिंबरे रसूल ते बैठा लेकिन तलहा सुन जिंदाबाद अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। लो जी 9 महीने असना नहीं भाई 9 महीने नबी आंदे रहे मुबारक देंदे रहे का दिया मेरा नबी आ रहा है। सिर मारो सिर सिर मारो मेरा नबी आ रहा है। अच्छा मेरे आखा दे आन दियां तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ने फरमाया जबरील या अल्लाह हुक्म होवे फरमाया पूरी रूहे जमीन ते चक्कर मार या अल्लाह की करना है फरमाया आज मैनू कोई रोंदा नजर नहीं आना चाहिए आज कायनात हसदी नजर आनी चाहिए जन्नत के दरवाजे खोल जहन्नम के दरवाजे बंद कर ऐं ए अरसा नु सजा दे या अल्लाह की वजह क्यामत आ रही है आख्या क्यामत नहीं आ रही मेरा यार दुनिया वाले जा रहा है। जिन्हों समझ आई है बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब जबरील अमीन आर्डर कर छड़िया जबरील जा पूरी रुवे जमीन ते चक्कर मार तवज्जो करया जे पूरी रुवे जमीन ते चक्कर मार जबरील अमीन ने अर्ज की थी या अल्लाह वजह की है फरमाया जिन्नियां भी मामा दे पेट अंदर बच्चे पलदे पे ने इक किसे वल बच्ची नहीं जानी चाहिए या अल्लाह चौथे महीने दे अंदर फैसला हो जांदा है बच्ची बच्चे दी शक्ल तैयार हो जांदी है। अल्लाह जिन्नियां भी मामा दे पेट अंदर बच्चे पलदे पे ने किसी नूं जनाब बच्चे दी शक्ल नहीं दित्ती सारियां नूं बच्चियां दी शक्ल दे छड़ी है। रब्बे कायनात दी बारगाह मुल्ला दे विचों आवाज़ आ रही है जिबरील ए अरबी लोग ने इन्हां दे वेड़े जदों बच्ची जावे ए रोंदे ने खुरलांदे ने मातम करदे ने अज मैनूं कोई रोंदा नजर नहीं आना चाहीदा अज मैनूं कायनात हसदी नजर आनी चाहीदी है। अल्लाह ने फरमाया जबरील मेरे नबी दे गुलामा ने 12 रबीउल अव्वल दी सुबह तवज्जो करया जे मेरे नबी दे गुलामा ने 12 रबीउल अव्वल दी सुबह किसे ने जनाब लड्डू वंडने ने
किसी ने मठियाइया वंडनिया ने, किसी ने खीरा वंडनिया ने, किसी ने बदाने वंडने ने, किसी ने पतासे वंडने ने। ओ जबरीला सुन ले, मैं रब हो के अपने नबी दी विलादत ते मावां नू मुंडे ही वंड छड़ना। मैं अपने नबी दी विलादत ते मावां नू मुंडे ही वंड छड़ना वा। मुहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे, मुहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे। हुन हर बंदे दी आवाज आए, इसे मिला दिखे कहते हैं, इसे मिला दिखे कहते हैं, विलादत हो। मेरा नबी आ रहा है, सुभान अल्लाह बोलो। थके तो नहीं, पक्की गल है, हाथ चुको हां जरा माशाल्लाह। जेड़े जेड़े थक गए हो यार, नबी का मिलाद हो तो बंदा थक जाए। ओ मुरीद के आशिक रसूल भी बैठे लबैक ते नारे मारते, ओ नहीं थके, असी इत्थे बह के थक गए हां। साकी साहब असी गल्लां कर कर थक गए हैं, मौलवियां वक्त पाए हैं। मैं कहा मौलवी अपनी जान वास्ते लड़दे पे ने, क्या तुसा सरकार दा कलमा नहीं पढ़िया? हैं, एक दिन मरना भी जे कबर दे विच भी जाना। लो जी, ये बात दूर निकल जाएगी। मेरे नबी दी आमद दा वक्त करीब आ गया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जबरील चार बीबियां लै जा। या अल्लाह केड़ियां? मई हवा की कबर से जा, मई हाजरा की कबर से जा, मई मरियम की कबर से जा, मई आसिया की कबर से जा। जबरील ने अर्ज की, या अल्लाह हवा जड़ी नबी की बीवी नबी की मां, समझ आ रही? हाजरा जड़ी नबी की बीवी नबी की मां, मरियम जड़ी है ये नबी की मां है, आसिया फिरौन की बीवी है, ये ना नबी की बीवी ना नबी की मां। अल्लाह इन्हू क्यों कल पे? अल्लाह फरमाया मैं आसिया दे नाल एक वादा कीता है। अल्लाह केड़ा? फरमाया जदों मूसा दा संदूक रोड़ के फिरौन दे महला वल आ रहा सी ना, ते मैं आसिया नू आख्या सी, आसिया ऐ संदूक दे विच मेरा यार आ रहा है, सुभान अल्लाह, ऐ संदूक दे विच मेरा यार आ रहा है, अज दी परवरिश कर लै। आसिया ने कीति, या अल्लाह जे मैं परवरिश करा ते इनाम है। अल्लाह फरमाया अज परवरिश तू कर ले, कल मुहम्मद दियां दाइयां च मैं खुदा शुमार कर दे। लो जी, मेरा नबी आ गया। मैं बिल्कुल शॉर्टकट कर रहा, मेरा, ओ बोलो यार, मेरा, मेरे नबी आए। सैयदा आमिना फरमांदियां ने, खारजा मिन्नी नूर, मेरे विचों, बोलो मेरे विचों नूर निकलिया, मेरे विचों नूर निकलिया। तो सैयदा आमिना ने भी जो मेरे नबी का चेहरा वेख्या ना, एडा सोना, एडा सोना, वो जिन्हें जिन्हें भी वेख्या यही आख्या एडा। एक मैं शेर पढ़ लगा अपनी तबीयत वास्ते, जो समझने वाले लोग बैठे उन्होंने वास्ते, जे तुहानू समझ आवे तो सुभान अल्लाह कह जरा। एडा सोना, उन्होंने दाइया ने भी जो मेरे नबी का चेहरा वेख्या, मेरे करीम लजपालिया कईमामुल अंबिया दा चेहरा वेख के बड़ी मुहब्बत नाल किबला साकी साहब सरकार दा चेहरा वेख दिया पईयां ने, ते की कह रहीयां ने, सोने सोने नैन तेरे, डट के आखो सुभान अल्लाह। सोने सोने नैन तेरे, नैन तेरे वे माया, माया अरबी डोला, सोने सोने नैन तेरे।
तेरे सोनिया अदावाले सोने सोने ने सोने सोने ने तेरे सोनिया अदावाले ओए तेरे जया सोना कदों जम दिया मावाले। लो जी मेरे नबी आ गए मेरे बोलो मेरे जेड़ा बंदा मिलाद मनाए फायदा की होता है एक गल सुन लो फिर मेरी याद रही। हिंदुओं का एक शायर सी जिदा नाम सी दिल्लू राम की नाम सी सुनो जरा। इन्हें एक दिन ना लिखते हैं मेरे नबी दी नात लिखी है सी हिंदू उन इन्हें जदों नात लिखी ना ओ परचा फड़ना इंज जिवें असीं मिलाद सजा के बैठे हैं इन्हें लैके चला जाना उत्थे परचा ते जाके ना नबी दियां नातां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां। लोगों ने बड़ी खिदमत करनी लोगों ने बड़े पैसे सटने कि है तो हिंदू है चलो हो सकता है ये सदके अल्लाह ईमान की दौलत के नाल माला माल कर छड़े उन्हें भी जनाब कलमा नहीं पढ़िया जिथे भी जाए नबी दियां नातां पढ़ी जाए। ओ वेला आया जनाब वेला गुजरदा गया दिल्लू राम ते जनाब मौत दा वेला आ गया दिल्लू राम की जनाब रूह जी इतने आके अटक गई है हलक तो उठे नहीं जा रही भैन जनाब कोई टूंबे नाल पानी पा रही ने कोई चमचे नाल पानी पा रहा है रिश्तेदार भैन भरा आदि दो कर भी यार सज्जन बेली सारे आ गए दिल्लू राम की जनाब रूह नहीं निकलती पई। एक दिन गुजरिया दो दिन गुजरे तीन दिन गुजर गए ने ये दिल्लू राम की जनाब रूह नहीं निकलती पई ये सारे जनाब वापस चले गए ने इन्हें पता नहीं मरना है कि नहीं मरना दिल्लू राम की जनाब रूह जड़ी है अटक गई है ये दिल्लू राम की रूह नहीं निकलती पई। एक रात ऐसी आई है लोगो अद्धी रात का वेला होया जनाब ये दिल्लू राम की माँ योदे कमरे के अंदर ही आ गई आके योदे सराने के कोल बह गई ते आके आख लगी दिल्लू रामा अज मैं तेरे नाल एक गल करन आई हाँ है ते मैं हिंदनी हाँ। ओ दिल्लू राम बोले आख लगा अम्मा बोल केड़ी गल करन आई है आख लगी माँ आख लगी जिस नबी दियां नाता पढ़ना है उस नबी नू आवाज मार के वेख ले जिस मुहम्मद दियां नाता पढ़ना है उस मुहम्मद नू आवाज मार के वेख ले। ए दिल्लू राम दे दिल ते जनाब गल बड़ी सोहनी लगी दिल्लू राम उठिया जनाब उन्हें मदीने वाल मुंह कर लिया ते बड़ी मुहब्बत नाल की कह रहा है सुना है आप हर आशिकी के घरे तशरी फिलाते हैं जिदा दिल कर दे नबी दी सवारी मेरे वेड़े आ जावे शर्माना नहीं हाथ उठा के कहने एक कैमरे वाले तेरा कैमरा घुमा ये मेनू पता लगे केड़ा केड़ा बंदा पढ़ता पिया है सुना है आ पिहरिया सिटी के गए तशरी फिलाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागाया रसूलल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागाया। दिल्लू राम जनाब साकी साहब दिल्लू राम नाथ पढ़ता पढ़ता सो गया
अद्धी रात का वेला होया ओदी अख लग गई है मुकद्दर जाग पिया है दिल्लू राम दे कमरे दे अंदर पांच बुजुर्ग हस्तियां आ गई विचों एक हस्ती बोली अख लगी ओए दिल्लू राम उठ के इस्तकबाल कर ले ओ वेख मिलाद वाला नबी आ गया है अज किसी कोई कलमा किसी का पीर पढ़ावे कोई मौलवी पढ़ावे कोई उस्ताद पढ़ावे कोई पढ़ावे है लेकिन दिल्लू रामा मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा जिन्हों कलमा भी साहिबे कलमे ने आके पढ़ाया है आख्या पढ़े मेरी नात ते मरे हिंदू दिल्लू राम ने कलमा पढ़िया उठे फिर उन्हें एक शेर लिखिया गंगा से फिसला जो कोसर में निकला खुदा ने मुझे पानी ही पानी में रखा है उठे भी जो उन्हें शेर लिखिया ना दिल्लू राम ने जनाब रूह निकल गई है इलाके अंदर रोला पै गया दिल्लू राम मर गया है लोकी आख लगे हो जना साडे खुदावा नू बुरा आखदा सी ओ दिल्लू राम मर गया है कोई आख लगा फलाना हिंदू मर गया है कोई आख लगा यो काफर मर गया है कोई आख लगा यो दिल्लू राम मर गया है रब्बे कायनात ने फरमाया हूरो मेरे कोल आ जाओ या अल्लाह की करना है फरमाया आसमाना ते रोला पा दियो या अल्लाह कादा रोला पाना है आख्या जमीन ते रोला पै रहा है ए दिल्लू राम मरिया है तुसी आसमाना ते चर्चा कर दियो दिल्लू राम नहीं मरिया ए मुहम्मद दा गुलाम मरिया है दिल्लू राम नहीं मरिया मुहम्मद दा गुलाम मरिया है मुहम्मद दा गुलाम मरिया है लोका ने जनाब लकड़ियां कठियां करनी शुरू कर छड़िया मन दो मन जिन्या भी लकड़ा कठियां ही होया ए दिल्लू राम दा जिस्म जनाब लकड़ियां दे दरमियान च रखिया उतो लाई अग अग लाई ते जनाब लकड़ा सड़ गईया दिल्लू राम नहीं सड़दा पिया ए दिल्लू राम नहीं सड़दा पिया लोकी हैरान होए लोकी परेशान होए लकड़ा दिया जो सवा बन गई है लोगों ने पूछा दिल्लू राम तेन अग ने नहीं साड़िया ते दिल्लू राम बड़ी मुहब्बत नाल की कह रहा है जमीन मैली नहीं होती जमल मैला नहीं होता जमीन मैली नहीं होती जमल मैला नहीं होता और हर बंदे की आवाज आए मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला लो जी तकरीर गई है मुक ते एक मेरी फरमाइश है सौण वाले भाई एक फरमाइश है निस्वा भाई वो केड़ी उन्हें कह जी अजमत आले नबी जरूर पढ़ने सारे सरकार दी आल दे मनन वाले बैठे हैं जाहरां दे पुत्रां दे नौकर बैठे हैं ना सारे हाथ तो चुको जरा अगर मैं गल करां ते बड़े वक्त दी जरूरत हो जाएगी मैं बिला तमहीद शेर ही शुरू कर देना वा हैं बड़ी मोहब्बत नाल बड़े प्यार नाल शायर बोलिया ते की कहंदा है अजमत आले नबी भूल न जाला लागो अजमत आले नबी जे समझ आती है तो फिर पढ़ लो अजमत आले नबी
जिनी देर तक सारे ने ना पढ़ोगे गल इत ही अड़ी रहनी है। मैं घंटा वाद लाई आना जी, मैनू किसे डकना है? स्पीकर मेरे कोले तरह बोलो तरह मुहब्बत नाल आखो तरह यज़मत आले नबी भूल न जाला लोगो अज़मत आले नबी आले नबी आले नबी अज़मत आले नबी भूल न जाला लोगो देखना गैर की बात अगे की शायर बोले जब फरिश्ता अजल सुन्नी का तारफ पूछे मर जाना है एक दिन मर जाना है जो साड़ी मैयत जांदी होवे साड़ा जनादा जांदा होवे और रूह कटन वाला फरिश्ता आके जो तारफ पूछे ना कि तू कौन है ते फिर उठ ए ना आखे चुप ना करके बह रहे मरना एक दिन मैयत जांदी हो मोहल्लेदारा रिश्तेदारा ने पूछना है कि किधर जनादा जा रहा है फिर हर बंदा उठे बोल के आखे जब फरिश्ता अज़ल सुन्नी का तारफ पूछे जब मेरी वारी आवे मैं किसी की गल नहीं करता जब मेरा जनादा जाता होवे मेरी मैयत जाती होवे लोकी आखन इन्हें आखने बड़ा खतीब सी एदी बड़ी आवाज सी ए बड़ा सुरीला खतीब सी ए जनाब बड़ी बड़ी दूर जाके आवाज करता सी ए ना लोकी आखन तुसी आखो रजवी साहब की आखन जदों जनाब मेरी चारपाई जांदी होवे कब्रस्तान वल ते लोकी खलो के जनाब एहो ही कहंदे ओ नहीं ए गदा ए दरे सहारा ये गदा है दरे सहारा ये गदा है दरे सहारा ये गदा है दरे सहारा है बताना लोगो अज़मत जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए तेरे औसाफ का इकबाब भी पूरा ना हुआ फकीरा ना आए सदा कर चले सदा खुश रहो हम दुआ कर चले यार जिंदा सोबत बाकी कभी मौका मिले तो फिर बयान करांगे अल्लाह मेरी थोड़ी हाजरी कबूल फरमाए वमा अकीना इल्ला अल बलागुल मुबीन।